का दोस्तों आपका स्वागत है एसके टेक्नोलॉजी 30 चैनल में। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले डीएसएसबी में एक और वैकेंसी निकल कर आ चुकी। जैसा कि आपको पता होगा डीएसएसबी में बहुत सारी वैकेंसियां निकल कर आ रही हैं, तो ऐसे में एक और वैकेंसी आ चुकी है एसआई एंड वेरियस पोस्ट की। दोस्तों तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे कैसे इसका स्टेप बाय स्टेप आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। योग्यता की बात करें तो यहाँ पर 12वीं 10वीं और बाकी बहुत सारी योग्यता रखी गई है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं इसका डिटेल जो है कितनी वैकेंसी है और क्या क्या योग्यताएं रखी है, उसके मैं बताता हूँ कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करनी है। तो चलिए सबसे पहले वैकेंसी की टेबल देख लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं वैकेंसी की, तो यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की वैकेंसी, जो कि वैकेंसी 2 है। और यहाँ पर आपको जो है क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10+2 पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो है स्पीड होनी चाहिए, जो है यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट हैंड स्पीड 100 वर्ड प्रति मिनट मांगा गया है, इस प्रकार देख सकते हैं। और क्वालिफिकेशन आपके सामने। इसके बाद दूसरी वैकेंसी है जो जूनियर असिस्टेंट की, इसके लिए भी 10+2 मांगा गया है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 25 वैकेंसी है और यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास जो है नोटिफिकेशन अवेलेबल है। इसके बाद तीसरी वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम कैशियर की है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, देख सकते हैं। और बाकी एक्सपीरियंस आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बताने वाला हूँ कैसे आपको ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद स्टोर कीपर की वैकेंसी है यहाँ पर, इसके बाद देख सकते हैं केयर टेकर की वैकेंसी है, इस प्रकार देख सकते हैं। के बाद दोस्तों यहां पर आपके सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी 131 वैकेंसी है टोटल। यहां पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास आपके पास होना चाहिए, 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। इस प्रकार परमानेंट वैकेंसी है, तो यहां पर फिर नीचे आते हैं और यहां पर दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में वैकेंसी है 16 वैकेंसी, इसके अलावा यहां पर दिल्ली जल बोर्ड में है 7 वैकेंसी, इस प्रकार देख सकते हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारी वैकेंसियां। चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं, तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो अगर आप पहले कभी रजिस्ट्रेशन किए हैं, रजिस्टर कैंडिडेट, तो यहां से आप डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करके और पासवर्ड इंटर करके लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू यूजर हैं तो यहाँ पर देखते हैं रजिस्टर, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक करके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पर चलिए एक एक करके दिखा देते। तो सबसे पहले यहां पर आपको कुछ डिटेल देनी होगी। यहां पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग और 10th का रोल नंबर इंटर करना होगा। इसके बाद पासिंग ईयर सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो चलिए ये डिटेल इंटर करके सबमिट पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर और पासिंग ईयर इंटर करके यहाँ पर इंटर कर लिया। अब इसका सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना सारा डिटेल देना होगा, देख सकते हैं पर्सनल डिटेल देना होगा। यहाँ पर आपको नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और यहाँ पर स्पाउस नेम अगर है तो, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना एक पासवर्ड जनरेट कर लीजिए। चलिए इंटर करके आपको दिखा देता हूँ मैं। चलिए दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना नेम इंटर कर लिया और इसके बाद जो है फादर्स नेम, मदर्स नेम मैंने इंटर कर लिया, देख सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जो है अपना नेशनलिटी, यहाँ ऑलरेडी इंडियन सेलेक्ट रहेगा, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना और एक ईमेल आईडी इंटर कर लेना। इसके बाद दोस्तों एक पासवर्ड आपको अपने से इंटर करना है। पासवर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपका पासवर्ड जो होगा उसमें मिनिमम कम से कम एक जो है आपके कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर और एक कोई डिजिट होना चाहिए और एक कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और मिनिमम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए, इस प्रकार का आपका पासवर्ड होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद आपको वही पासवर्ड फिर से यहाँ पर कन्फर्म करके यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए सबमिट पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर इस प्रकार का होता है, सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, इसके बाद आपका 10th का रोल नंबर रहता है और पासिंग ईयर जो रहता है, यही मिलाकर आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और पासवर्ड आपने क्रिएट किया। यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आप फिर से होम पेज पर चले आएंगे और अब आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपको मिला है यहाँ पर इंटर कर लीजिए और यहाँ पासवर्ड इंटर करके कैप्चा इंटर कर लीजिए। चलिए आप करके मैं दिखा देता हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर लिया, पासवर्ड इंटर कर लिया और यहाँ कैप्चा इंटर कर लिया। आप सिंपली आपको यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप साइन इन हो जाएंगे और आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। चलिए एक एक करके मैं डिटेल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने जो डिटेल अभी तक फिलअप किया है यहाँ पर शो होगा। आप इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो इसके बाद चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आपको दिख रहा है ऊपर जो है लेफ्ट साइड में, सिंपली आपको इसी अप्लाई पर क्लिक
करना है। तो जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर सारी वैकेंसी आ जाएंगी। देख सकते हैं वैकेंसी सारी जितनी भी वैकेंसी DSSBB में आई है इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रही यहाँ पर शो हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्लोजिंग डेट और यहाँ पर ओपनिंग डेट शो होगा, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट शो होगा और फीस कितनी पेमेंट करनी यहाँ पर शो होगा और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वैकेंसी दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको नीचे चले आना है और वैकेंसी जो है 8 जनवरी 2020 से स्टार्ट हुई है जो अभी आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आपको चले आना है यहाँ पर, देखना 28 से कौन सी वैकेंसी स्टार्ट हुई, तो अभी देख रहे हैं 24 से स्टार्ट हुई, आपको नीचे चले आना है और यहाँ पर देख सकते हैं 28 से स्टार्ट हो चुके। तो जो भी 28 से स्टार्ट है तो ये वैकेंसी अभी इस समय चल रही है। देख सकते हैं यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की, अकाउंटेंट असिस्टेंट की और इसके अलावा स्टोर कीपर की, केयर टेकर की, जो जो अभी मैंने बताई, इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर की, जूनियर स्टेनोग्राफर की, यहाँ पर देख सकते हैं सारी जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर 27 फरवरी 2020 रखी गई, इसके पहले आपको अप्लाई कर लेना है जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। और इसका जो है आप डिटेल में नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या मुझे कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन और क्या क्या सिलेबस है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है यहां उसके सामने अप्लाई पर क्लिक करके कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूं कैसे अप्लाई करना है। ये दोस्तों अभी मैं फिलहाल यहाँ पर फीस कलेक्टर या सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो सिंपली इसके सामने मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। आप इसमें से जो भी योग्यता रखते हैं किसी भी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देते हैं। अप्लाई नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा इस प्रकार का, देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल डिटेल जो पहले से फिलअप किया आपने शो हो रही है और बाकी आपको डिटेल देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर एड्रेस अपना कंप्लीट एड्रेस फिलअप करना है, इसका पिन कोड इंटर करना है और बाकी इंफॉर्मेशन चलिए मैं एक एक करके आपको कंप्लीट दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना कंप्लीट प्रेजेंट एड्रेस इंटर कर लेना है, इसका पिन कोड इंटर कर लेना। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक मार कर लीजिए, इधर अपने आप फिलअप हो जाएगा, नहीं तो अलग से आप फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर जनरल ओबीसी एससी जो भी है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल भी देना होगा, अगर आप जनरल में चूज करते हैं तो कोई डिटेल नहीं देनी होगी। तो यहाँ पर आपको अपना, अगर आप एससी कैंडिडेट है ओबीसी चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर और उसका इशू डेट कब इशू हुआ है और यहाँ पर किस स्टेट ने इशू किया है और इसके बाद जो है किस अथॉरिटी ने इशू किया, तहसीलदार या डीएम जो भी जो है इशू किए हो। इसके बाद दोस्तों अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं सभी कैटेगरी में तो यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शन है, इसमें से कोई है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको नो कर देना है और यहाँ पर डिक्लेरेशन, नीचे आपको डिक्लेरेशन देख रहा है तो डिक्लेरेशन पर टिक मार करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए सबमिट पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट स्टेप ले चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको राइट साइड में सबसे नीचे शो हो रहा है कि 5 स्टेप आपके हैं एप्लीकेशन फॉर्म के, अभी आप पहले स्टेप में हैं। तो चलिए यहाँ पर सबमिट पर क्लिक जैसे ही करेंगे आपके सामने इस प्रकार का दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप सेकंड पेज पर आ चुके हैं, तो अब चलिए एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। तो ये डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे चले आ गए हैं, इसके बाद आपको सेकंड स्टेप फिलअप करना है। तो चलिए थर्ड के बाद सेकंड आपको करना है, तो चलिए पहले इसको कर लेते हैं। तो ये फोटो और सिग्नेचर का अपलोड करने का है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कैसा फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है लोगों को, फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने में। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ किस साइज में आपको कैसे अपलोड करना है कम्प्लीटली। तो एक एक करके सबसे पहले दिखाते हैं कि आपको फोटो किस साइज में अपलोड करना है और किस प्रकार अपलोड करना है। तो यहाँ पर पहले साइज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फोटो हमारा होगा देख सकते हैं, उसको विथ जो होगा मतलब उसकी चौड़ाई जो होगी, ये वाला लेंथ जो होगा 110 पिक्सल में होगा, पिक्सल की बात कर रहे हैं 110 पिक्सल में होगा। और हाइट की बात करें तो इसके 140 पिक्सल होगा, फॉर्मेट हमारा JPG होगा और मैक्सिमम साइज इसकी 40 KB से कम होना चाहिए। तो इस प्रकार का फोटो होगा, तो आप यहाँ पर चूज जैसे ही करेंगे अपलोड पर क्लिक कर देंगे, यहाँ फोटो आपका शो हो जाएगा। इसी प्रकार सिग्नेचर की बात कर लेते हूँ, तो सिग्नेचर यहाँ जो है आपका विथ जो होगा 140 होगा और हाइट 110 होगा और फॉर्मेट JPG होगा, साइज की बात करें तो 40 KB ही होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब और राइट थंब अपलोड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट थंब अपलोड करना है। लेफ्ट थंब की बात करें तो इसकी विथ जो होगी 110 होगी, हाइट 140 होगी और फॉर्मेट सेम होगा, साइज भी सेम होगी। इसके बाद लेफ्ट थंब की बात, राइट थंब की बात करें तो राइट थंब के लिए भी वही होगा, 110 पिक्सल, 140 पिक्सल और देख सकते हैं इस प्रकार आप चूज करके अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली यहां पर शो हो जाएगा और आपको नीचे चले जाना है और नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है तो यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। चलिए जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर आप आ चुके हैं। यहां पर अब चलिए यहां पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है, तो चलिए एक एक करके मैं दिखा देता हूं क्या क्या डिटेल देनी है और कैसे देना है। देख सकते हैं यहां पर क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है। दोस्तों क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए सबसे पहले यहां पर आपको
ट्वेल्थ की डिटेल ऐड करनी पड़ेगी। ट्वेल्थ की डिटेल के यहाँ क्वालिफिकेशन पर आप टिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, देख सकते हैं, एक ही ऑप्शन आएगा, सॉरी दोस्तों एक ही ऑप्शन आएगा यहाँ ट्वेल्थ का, तो सिंपली आपको ट्वेल्थ पे चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का नेम है, डिसिप्लिन कौन सा डिसिप्लिन से आप किए हैं, तो इस पर सिंपली जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ही ऑप्शन आएगा, ट्वेल्थ पास है आप किसी भी बोर्ड से यूनिवर्सिटी से हैं तो यहाँ पर ओके कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका ट्वेल्थ का परसेंटेज इंटर कर लेना है, जितना भी आपका परसेंटेज हो 10.2 अंक तक इंटर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम इंटर कर सकते हैं। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस स्टेट से आप ट्वेल्थ पास हैं ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको पासिंग मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है, किस मंथ में और किस ईयर में आप ट्वेल्थ पास हैं। इतना डिटेल इंटर करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको राइट साइड में इंसर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपली आपको इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इंसर्ट पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं ये डिटेल आपका इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पर, देख सकते हैं आपका यहाँ से आए तो अभी भी एडिट कर सकते हैं और नहीं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो हो रही। इसके अलावा जो है आप कुछ अगर कुछ और ऐड करना चाहते हैं कोई क्वालिफिकेशन तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो आप हाई स्कूल का भी ऐड कर सकते हैं, ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने हाई स्कूल का डिटेल भी ऐड कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं फिर से वही ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके ऑप्शन आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पर हाई स्कूल का ऑप्शन नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल ट्वेल्थ का ही करना है, हाई स्कूल का नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हाई स्कूल का नहीं करना है, केवल ट्वेल्थ का करके यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनली सेव का ऑप्शन है तो इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर फिर से पूछा जाएगा, ओके कर देना, ओके कर देते हैं तो आपका ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर फिर आपको नीचे चले आना है तो यहाँ पर सेव डाटा का ऑप्शन आ गया, अब आपको नीचे चले आना है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर उसका डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं। इसके बाद देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रकार का आपका शो हो जाएगा, यहाँ पर सारी डिटेल्स होगी तो आपको एक बार देख लेना है इसमें से कोई एडिट करना है, यहाँ पर कुछ भी एडिट पर्सनल डिटेल या एडिट फोटोग्राफ सिग्नेचर या थंब जो है इंप्रेशन तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ आप नीचे आएंगे और यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी शो होगी, आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए, अगर आपको कुछ यहाँ पर करेक्शन करना है तो कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर फाइनल सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं बता दूं अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये की फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया, बाकी SC ST कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया, आपके मोबाइल पर मैसेज भी चला गया है। इसके अलावा आप चाहे तो एक से अधिक पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं कहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना है, तो यहां होम पेज पर आएंगे तो यहां पर प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपली आपको इसी में क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, यहां पर आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए तो यहां पर शो हो जाएगा, देख सकते हैं अभी मैंने एक ही पोस्ट अप्लाई किया है सब इंस्पेक्टर का, तो यही शो हो रहा है तो इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है, जैसे प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट होकर आ जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ, पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं इतनी ही डिटेल आपकी शो होगी। यहाँ से आप चाहें तो इसको प्रिंट करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं या इसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं आप चाहें स्टेटस चेक करना तो यहाँ से स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं स्टेटस का ऑप्शन है, चेक कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक से अधिक पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ देख सकते हैं फिर से आपको अप्लाई पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे और आपसे आपके पास फिर से वही सारी वैकेंसी आ जाएंगी, इसमें से जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं अदर किसी के लिए तो से अप्लाई कर सकते हैं। आपको फिर से चले आना, यहां पर देख सकते हैं किसी पोस्ट के लिए भी फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं लगातार ऐसी टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो ऑनलाइन जॉब अपडेट लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों इसके अलावा मैं बता दूं अगर आपको किसी प्रकार की बुक की आवश्यकता हो, डेली मैगजीन न्यूज पेपर की आवश्यकता हो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।